Redmi 4 इनकमिंग कॉल फ्लैशलाइट ऑन सेटिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने शाओमी की डिवाइस पर इनकमिंग कॉल फ्लैशलाइट सेटिंग सेट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इस ये सेटिंग कर देते हैं अपने मोबाइल पर, तो जब भी आपको कोई भी इनकमिंग कॉल आएगा तो आपको फ्लैश के ज़रिए वो पता चल जाएगा। ठीक है, भले आपके फ़ोन जो है साइलेंट पे हो, तब भी आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉल आ रहा है, क्योंकि दोस्तों आपका जो फ्लैशलाइट है वो ब्लिंक करेगा। ठीक है, तो कैसे ये सेटिंग कर सकते हैं, चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए आप बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको दोस्तों सिंपली जाना है अपने मोबाइल के डायलर पे, थ्री लाइंस पर क्लिक करना है, सेटिंग पर जाना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। तो आपको इनकमिंग कॉल सेटिंग ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा फ्लैश व्हेन रिंगिंग, तो इसको इनेबल कर देना है बस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है यूज़ फ्लैश टू नोटिफाई अबाउट इनकमिंग कॉल्स, तो यहाँ से आप इसके सेटिंग को कर सकते हैं। तो बस इसको ऑन कर दीजिए और उसके बाद आपका इनकमिंग कॉल फ्लैशलाइट सेटिंग सेट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतने, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।